सूरजपुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, संसदीय सचिव मंत्री की माता के शोक कार्यक्रम में हुए शामिल। सरगुजा में पुलिस ने अवैध धान किया जब्त, दूसरी जगह से धान लाकर बेचने के फिराक में था किसान। सूरजपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट का किया घेराव, 6 सूत्री मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। अंबिकापुर में अस्पताल में दिखी लापरवाही, नवजात शिशु की हुई मौत। पामगढ़ में वाटर व्हील वितरण कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं को बांटे पानी के पहिए। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम छत्तीसगढ़ में। सीएम भूपेश बघेल सूरजपुर के बतरा गांव पहुंचे। सीएम भूपेश बघेल यहां संसदीय सचिव मंत्री पारसनाथ राजवाड़ी की माता के शोक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने संसदीय सचिव मंत्री पारसनाथ को सांत्वना दी और कहा कि उनकी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी जी है और ये उन्हीं की देन है कि पारसनाथ जी जैसा साथी हमें मिला है। इस दौरान खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, संसदीय सचिव रश्मि आशीष और अनुसूचित जाति के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह सहित प्रदेश के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। पारसनाथ राजवाड़ी जी के माता श्री के तेरहवीं में हम लोग आए थे नीचे। माता जी पूरी जीवन थी और निज संस्कार है कि पारस जैसे मुनहार हमको साथी मिला और जो इस क्षेत्र की लगातार सेवा कर रहा है। पूरे प्रदेश में धान खरीदी जोरों पे है, सभी धान खरीदी केंद्रों में धान भी खरीदा जा रहा है, दाना भी उपलब्ध है, तौलाई भी हो रहा है, सही समय धान भी हो रहा है, धान का उठाव भी हो रहा है। गरियाबंद जिला मुख्यालय के गांधी मैदान में स्कूल सफाई कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद स्कूल सफाई कर्मचारियों द्वारा गांधी मैदान से पैदल रैली निकाली गई, पोस्टर के साथ नारेबाजी भी की गई। जिला कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों ने बताया कि शासन के आदेश द्वारा 2011 में स्कूल सफाई कर्मचारी नियुक्त किया गया है और हमें कार्य करते हुए 12 वर्ष हो गए हैं और आज वर्तमान में वेतन उतना नहीं मिल रहा है, मानदेय बढ़ाने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोगों का 2011 में नियुक्ति हुआ, 2011 में नियुक्ति हुआ तो शुरू में हम लोग को 1035 रुपये दिया, आज 12 साल बीत गया, 12 साल में 2425 रुपये ही बढ़ा है। हम लोग का एक ही सूत्री एक ही मांग है, कलेक्टर दर से अंशकालीन से पूर्णकालीन कलेक्टर दर, घंटा पूरा स्कूल ड्यूटी तक समय तक हम लोग ड्यूटी चाह रहे हैं। ये अंशकालीन स्वीपर हैं, उन लोग बोल रहे हैं कि हमको पूर्णकालिक किया जाए, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ है, पिछले साल 2022 में हड़ताल किए थे तो हड़ताल अवधि का उनको मानदेय दिया जाए। इस पर चूंकि ये शासन स्तर का निर्णय है तो शासन ही से निर्णय लेगी, हम उनके मांगों को शासन तक पहुँचा देंगे। पसना में समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा की जा रही धान खरीदी शुरू होने के बाद से ही सरायपाली बसना क्षेत्र में बिचौलिए भी सक्रिय हो गए हैं और दूसरे के पट्टे पर धान बेचने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिन पर स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। मंडी के सहायक उप निरीक्षक वाहिद दयाल ने बताया कि चंदन पटेल पीरदा निवासी से 38 क्विंटल धान जब्त किया गया है, साथ ही ग्राम धामन गुटकुरी के सूरज शाहू से 80 क्विंटल का धान जब्त कर लिया गया है। सर, बसना मंडी के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, 2 ट्रैक्टर धान जब्त किया गया है, क्या मामला? मामला ऐसा है कि 8 तारीख की रात में स्थानीय किसानों के द्वारा हम लोग को सूचना, स्थानीय पत्रकारों के द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम गोहेड़ आदर से 2 ट्रैक्टर में धान जो है ये इस खरीदी सेंटर में आया हुआ है बिक्री के लिए।
और जब हम लोग रात में यहाँ पर पहुँचे तो पत्रकार लोग भी यहाँ पर थे, हाजिर थे वो, और उनके सामने ही गाँव के अंदर में जाकर एक 11 में ट्रैक्टर खड़ी मिली, यानी ट्राली मिली, मुंडी दोनों की जा चुकी थी। फिर रात में ही उस ट्रैक्टर को जो है वहाँ की स्थानीय लोगों की मदद से ट्राली को यहाँ पर लाया। सूरजपुर में अपने वेतन बढ़ाने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया, साथ ही NH 43 को भी लगभग 1 घंटे तक चक्का जाम रखा। इस मौके पर हजारों की संख्या में जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहुंची थी, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है, साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। उनके मुख्य मांगे थी कि कलेक्ट्रेट दर पर वेतन दिया जाए, साथ ही उनका प्रमोशन कर उन्हें सुपरवाइजर पद पर आसीन किया जाए और विभागीय सेवा भर्ती में संशोधन किया जाए। वहीं जिला के आश्वासन के बाद फिलहाल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है, साथ ही जिला प्रशासन इनकी मांगों को अपने आला अधिकारी तक पहुंचाने की बात कह रहे हैं। सरकार ने अपने लेटर पैड में वादा किया था कि हम, हमारी सरकार जैसे ही आती है हम उनका मानदेय बढ़ाएंगे, उनको कलेक्टर दर देंगे, पर 4 साल बीत गई है, ये 5वां साल गुजरने वाला है, पर उन्होंने अभी तक हमें कलेक्टर दर नहीं दिया है। हमारे मानदेय बहुत कम है, 6500 में हम नौकरी नहीं कर सकते हैं, तो इसी के चलते हम उनको ज्ञापन दे रहे हैं जगह जगह पे, और 23 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। 5 दिन का हमारा महापड़ाव है, 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक, और 28 तारीख को अपने अपने जिले में अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करते हैं। कर आज धरना प्रदर्शन किया गया था, उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें वेतन संबंधी वृद्धि की मांग की गई है, और भी मांगे हैं, तो ये सभी मांगों को अभी तत्काल शासन स्तर पर प्रेषित किया जाएगा और जो भी निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा उसके संबंध में कार्यकर्ता संघ को अवगत करा दिया जाएगा। सरगुजा में पुलिस ने अवैध धान से भरे एक पिकअप वाहन को जब्त कर लिया। बता दें कि किसान दूसरी जगह से धान लाकर बेचने की फिराक में था, जिसके बाद सुखरी धान समिति केंद्र में समिति प्रबंधक की सूझबूझ से अवैध धान से भरे पिकअप वाहन को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन में लगभग 80 बोरा धान है, जिसे बेचने के लिए ग्राम सुखरी कालापारा के किसान ने 84 क्विंटल का टोकन कटाया था, लेकिन समिति में धान बेचने के लिए किसान के पास 55 क्विंटल ही धान था। बाकी बचे 29 क्विंटल को पूरा करने किसान दूसरी जगह से धान लाकर बेचने के फिराक में था, जिसे समिति प्रबंधक की सूझबूझ से पकड़ लिया गया है। यहाँ मंडी में घुसने के बाद उसको जब्ती किया है, वही कहीं है कि बाहर से धान ला के दे रहे हो, तो अपना सही मान रहा हूँ मैं, मेरा धान अपना है, एक धार 84 क्विंटल कर एक धार काट दे रही घर से आई से सर, जाके देखिए ना कि मैं देने लायक हूँ कि नहीं हूँ। जो लगभग वही 4 बजे के आसपास ये पिकअप में भर के धान आया, तो गाड़ी ड्राइवर से पूछे हम लोग कि धान कहाँ से आ रहा है, तो उसके बारे में बोला कि यहाँ से उसके घर से लोड हुआ है कि नहीं, तो बोला कि मैं नहीं जानता हूँ इसके बारे में, कहीं बाहर का धान है। इसका कार्रवाई हुई कि इसको जब्ती में रखे हैं, इकट्ठा था। बाकी ड्राइवर से उसमें वेरिफिकेशन पश्चात इसमें ये पाया गया कि ड्राइवर को स्वीकार किया गया कि किसान के घर से जो है वो धान को उठाव नहीं किया है, वो बाहर सूरजपुर से उठाव किया है, तो ऐसी स्थिति में उसको जांच के दायरे में ला करके उसको जब्तीनामा बनाया गया है। सक्ती में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा के अलमारी में रखे एसिड गिरने से 2 छात्र झुलस गए। आपको बता दें कि सूचना मिलने के बाद परिजन पहुंचे और उपचार के लिए बच्ची को CHC में भर्ती कराया गया। तबीयत में सुधार नहीं होने पर बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। एक बार मोर दोस्त रहते हैं ना, चल बाहर जाओ बोला थे, तब घंटी नहीं हो लगे तो नहीं जान गए ना नहीं गिन ओकर बाद ध्यान हो अलमारी में चल दिस कैसे थोड़ा खुला है करके, और जैसे वो लक्ष्मी ना वो बंद रहा के ना कहाँ गिरीस यही लिक्विड है, ओकर बाद आँख में लग गई तो तुरंत हम मुँह में पानी और दूध वाला गाय, फिर मोर दोस्त के ओकर भाई और मैं करके तीनों जन यहाँ डब रहे, सर मन में
मैं हूँ कक्षा 9 कक्षा से हूँ। मेरा बहन बोला ऐसे 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 चेहरा में पड़ा है ना, इसीलिए मैं लेके आया हूँ, इसे बोला है मेरा बहन, इसीलिए मैं आया हूँ इधर लेके डबरा में। पामगढ़ में फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड ने सिवरी नारायण में वाटर व्हील वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें गांवों की ग्रामीण महिलाओं को कुल 8 पानी के पहिए दिए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती अंजनी मनोज तिवारी अध्यक्ष, नगर पंचायत सिवरी नारायण डॉक्टर माधव विश्वनाथ, चिकित्सा अधिकारी मनोज तिवारी, पार्षद आदि मौजूद रहे। बता दें कि फ्यूजन समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्ग से संबंधित महिला उद्यमियों को ऋण देती है। जांजगीर चांपा में पुलिस को सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। ये महिलाएं ज्वेलरी शॉप में पायल चोरी करती पकड़ी गई। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की पायल बरामद कर ली है। पुलिस ने जेवर चोरी करने का अपराध दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ज्वेलरी खरीदने आई थी, उसी दौरान चांदी का पायल चोरी करते हुए सीसीटीवी के फुटेज में कैद हो गई थी। अभी दिनांक 10 जनवरी 2023 को पुनः वह उसी ज्वेलरी शॉप में आई ज्वेलरी खरीदने के लिए। उस पर से प्रार्थी को शंका होने पर उसने तत्काल सिवरीनारायण थाना में पुलिस को सूचना दिया, जिस पर से पुलिस मौके पर पहुंचकर उससे पूछताछ करने पर उक्त महिला ने पायल चोरी करना स्वीकार किया और पायल को अपनी सास पुनीता लोनिया गोरिल्ला पेंड्रा में गांगपुर बालधार मुख्य मार्ग पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने का मामला सामने आया है। मृतक की शिनाख्त गांगपुर गांव में रहने वाले टीका राम भानु के रूप में हुई है और मृतक के सीने में धारदार हथियार से वार का निशान भी मिला है। फिलहाल पुलिस मामले में हत्या का अपराध दर्ज कर मामले की जाँच किए जाने की बात कह रही है। गिरा पड़ा हुआ है, जाके देखें तो गाड़ी लुट गया था और 10-15 मीटर दूरी लड़का फेंकाया रहा। कैसे पड़ा रहा, बॉडी पेट के बल में पड़ा रहा, कैसे पड़ा रहा? खपका दिए थे। शरीर में कुछ निशान भी मिले हैं, ऐसी बात आ रही? निशान क्या निशान है? छेद है सर, सीने में छेद है। क्या लगता है क्या हुआ होगा? लगता धार चाकू धार से मारा गया, हत्या की गई है। गोरिल्ला पेंड्रा में इंटक कार्यालय पर प्रशासन का डंडा चला और कार्यालय सील कर दिया गया, जिसके बाद इंटक अध्यक्ष इदरीश अंसारी ने प्रशासन पर बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। बता दें कि नगर पंचायत का एग्रीमेंट और दी गई राशि के बाद दुकान किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर अलॉट कर दी गई थी और प्रमाण पत्र भी उस व्यक्ति के पास है जिस पर इंटक कार्यालय का कब्जा बताया जा रहा था, जिसके चलते कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश के अनुसार नगर पंचायत तहसीलदार ने पुलिस बल के साथ जिला मजदूर कार्यालय को सील कर दिया है। दरअसल वर्ष 2017 में इंटक अध्यक्ष इदरीस अंसारी के अनुसार ये जमीन नगर पंचायत की थी, उन्होंने सव्य इसका निर्माण करवाया। मुख्य नगर पंचायत अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर अवैध कब्जे की दुकान सील कर दी गई है। यहाँ पे आकर जो है तो हमको खाली करने के लिए बोला गया, जिसके आधार पे मैंने बोला भाई किस लिए खाली करा रहे हैं आप, हमको तो कोई ऐसी सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं। तो बोले कलेक्टर मैडम का आदेश है, मैंने आदेश की कॉपी मांगा कि मुझे आदेश की कॉपी दिखाइए, जिस पे खुजूर नायब तहसीलदार गोरिल्ला TI युवराज तिवारी जी ने देने से साफ इनकार कर दिया कि नहीं हमको आदेश मिला है मौखिक, हमको कोई आदेश की कॉपी नहीं दिखाई गई और बलपूर्वक एक एक पदाधिकारी और कार्यकर्ता नीलामी हुई थी। नीलामी में हिमांशु साहू को मिला हुआ था, ये इस पर इदरीस अंसारी का कब्जा था। फिर उनको 3 बार विधिवत नोटिस जारी की गई खाली करने के लिए, इसके पश्चात भी उन्होंने दुकान खाली नहीं किया। तत्पश्चात पुलिस प्रशासन के साथ हमने नगर पंचायत कर्मियों द्वारा आज इसको नीलामी की गई। अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में 5 दिन के नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। बता दें कि बलरामपुर जिले के
आरागाही गांव से महिला के प्रसव पीड़ा होने पर शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद 6 जनवरी को महिला ने स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि जन्म होने के बाद से बच्चे को मां से मिलने नहीं दिया गया। इस दौरान लगातार परिजनों से रुपए की मांग की गई थी, जिसके बाद अचानक नवजात शिशु की मौत हो गई। जो है यहाँ से संजीवनी उसमें एम्बुलेंस बैठा के वहाँ खाली छोड़ के चलाते हैं, सरकारी अस्पताल में छोड़ के चलाया। इस बच्चे की डेथ हो गई सर, बच्चे का डेथ हो गया। अस्पताल का पूरा लापरवाही है सर। 2 किलो 300 का बच्चा बहुत पुष्ट होता है, लेकिन अगर उस बच्चे को अब माँ का दूध नहीं पिलाएगा तो कहाँ से उसमें खून आएगा, व्हाइट ब्लड बनेगा। माँ का दूध तो माँ का माने माँ बच्चे का चेहरा तक नहीं देखा है। 35,000 रुपये चल चुके डर में हुआ। उसके बाद बच्चा को ले गया काछ में, ले गया लेने के बाद हम जाके देख रहे हैं, जाके बताए मैडम लोग कैसे बच्चे ठीक है नॉर्मल है। उसका बात कह रहा है कि पीलिया हुआ। बढ़िया मेरा नाती था, अब सीरियस बना दिया रिको लफारी किया था उसको NICU में, और बच्चे की हालत में सुधार नहीं होता दिखा तो उन्होंने रेफर कर दिया हायर सेंटर के लिए। अभी तो मुझे जानकारी नहीं है क्या स्थिति है, लेकिन वो तो सुबह ही रेफर हो गया था बच्चा। लापरवाही कोई क्यों करेगा, हम निजी चिकित्सालय हैं तो निजी हॉस्पिटल कभी भी लापरवाही क्यों करेगा, वो तो भरसक प्रयास करेगा कि। प्राइम छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।